जो साफ सफाई काम है, अगर हम एमसीडी की बात कर रहे हैं, सचमुच काम नहीं। तो अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 193 में योगेश जी, जो पूर्व पार्षद प्रत्याशी भी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी से, पिछली बार हार गए थे कुछ ही वोटों से सर, उसका गम है आज भी। देखिए, जब काम करने की इच्छा होती है ना, और आप उस काम को उस तरीके से नहीं कर पाते हैं जो पावर के साथ कर सकते हैं, जो लोगों का हक है, और लोगों का हक मरते हुए हम देखते हैं, तो दुख तो होता है। अच्छा, ये बताइए, भाजपा ने क्या इतने सालों में कार्य किया है आपके हिसाब से? सच बोलिएगा, अब राजनीति से आम इंसान के तौर पर बोलिएगा। देखिए, मैं अगर बताऊँ, इधर जनता भी बता देगी भाजपा किस तरह काम कर रही है और किन मुद्दों पर काम कर रही है। ये तो जनता को मालूम है कि किस असलियत में जो साफ सफाई काम है, अगर हम एमसीडी की बात कर रहे हैं, सचमुच काम नहीं किया इसमें। अच्छा, चाहते तो आप आम आदमी पार्टी से हार गए थे, चाहते तो किसी और पार्टी से टिकट लेकर जीतने की उम्मीद रखते, आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं छोड़ा सर? मैं बता देता हूँ। देखिए, जब हम शुरुआत में थे, जब मैं चुनाव हारा था, तो यहाँ एक भी मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में नहीं बना था। स्कूल अच्छे नहीं हुए थे, क्योंकि मैं एमसीडी का पहला बाई इलेक्शन का कैंडिडेट था जो 2016 में हुआ। उस समय मोहल्ला क्लिनिक बनने शुरू हुए थे, लोगों को मॉडल का आइडिया नहीं था, ना स्कूल अच्छे बन पाए थे उस समय, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी सरकार के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो अब जब मोहल्ला क्लिनिक बन गए, स्कूल अच्छे हो गए, तमाम चीज़ें चल रही हैं, जितनी योजनाएं अरविंद जी ने कही वो वादे पूरे किए, अब मैं जब रोड पे निकलता हूँ तो जितने गरीब आदमी हैं, जो रेहड़ी पटरी लगाता है, बाजार लगाता है, छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे लेबर क्लास लोग हैं, मीडियम क्लास लोग हैं, जब मैं उनसे, तो वो बड़ी आस से हमें देखते हैं, और उनकी आस हमें कहती है कि आप वो लोग हैं जो हमारे अच्छे काम कर रहे हैं। तो वो आस जो है ना, वो बहुत खुशी देती है, और वही मेरे राजनीति का, मैं छोड़ भी नहीं पाया। अगर मैं छोड़ देता ना, मैं आपको, तो मुझे लगता है शायद मैं अपने स्वार्थ के लिए छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि जेन्युइन काम हुआ है, उसको मैं कैसे ना कर सकता हूँ। ये हकीकत है, क्योंकि जी सामने इतनी मजबूत पार्टियाँ हैं, क्या इस बार टक्कर दे पाएंगे, पिछली बार की तरह निराशा मिलेगी? देखिए, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से जनता का प्यार मिल रहा है, और जिस तरह से हमारे लोग हम पे विश्वास करते हैं, हम बहुत अच्छे मार्ग से चुनाव जीतेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, ठीक है।